हाय गाइस, माय नेम इज़ ज़ारा एंड दिस इज़ माय नेक्स्ट लेक्चर। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पावर सीरीज़। पावर सीरीज़ मोस्टली बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन ये टॉपिक बहुत ही आसान है। पावर सीरीज़ आज मैं आप लोगों को करवाऊंगी, इसके बेसिक चीज़ें कि पावर सीरीज़ होती क्या है, और जो कॉमनली क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा जाता है वो वाले टर्म्स करवाऊंगी। तो पावर सीरीज़ क्या होती है? सबसे पहले तो हम देखेंगे पावर सीरीज़ होती क्या है। पावर सीरीज़ अगर आपको पेपर में आ जाए व्हाट इज़ पावर सीरीज़, तो आपने क्या कहना है? पावर सीरीज इज एनी सीरीज दैट कैन बी रिटन द फॉर्म, मैं इधर लिख देती हूँ, पावर सीरीज इज एनी सीरीज दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म, द फॉर्म इज समीशन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिट सी एन एक्स माइनस ए एन। अब यहाँ पे ये एक्स क्या है? एक्स यहाँ पे कोई है वेरिएबल, और सी एन और ए एन यहाँ पे है नंबर्स, तो हम इधर लिख देते हैं ए एंड सी एन आर नंबर्स, और एक्स क्या है? कोई भी वेरिएबल, और एन तो आपको पता है कोई नंबर है, कोई पावर है। तो पावर सीरीज की फॉर्म क्या होती है? ये वाली एन 0 टू इन्फिनिट सी एन एक्स माइनस ए रेज टू पावर एन। पावर सीरीज में, और जो मैंने अभी आपको जितने भी पीछे लेक्चर्स करवाए हैं उनमें फ़र्क क्या है? मोस्टली जो अभी तक जो हम जितनी भी सीरीज़ की बात कर रहे थे वो थी सिर्फ ऐसी सीरीज जिसमें हम नंबर्स को डील कर रहे थे। पावर सीरीज क्या होती है? ऐसी सीरीज जिसके अंदर हम कोई वेरिएबल एक्स इन्वॉल्व कर देते हैं। तो पावर सीरीज और जो सिंपल सीरीज है इसमें फ़र्क क्या होता है? एक्स का। सिंपल सीरीज में हम क्या करते हैं? जस्ट नंबर्स को देखते हैं। और आप जितनी भी हम जो सीरीज की बात करेंगे, अगर आप बात नोटिस करें तो पावर सीरीज एक्चुअली में क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स है। तो आप पावर सीरीज को क्या कह सकते हैं? इज फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स वेरिएबल का फंक्शन है। तो पावर सीरीज अगर आप देखें तो एक्स वेरिएबल इसमें इन्वॉल्व होगा। तो जब आपको सिंपल सीरीज तो पावर सीरीज में फ़र्क पूछा जाएगा, तो आपने क्या कहना है कि सिंपल सीरीज जस्ट नंबर के साथ डील करती है, और पावर सीरीज एक्चुअली में क्या होता है? फंक्शन ऑफ एक्स वेयर एक्स इज सम वेरिएबल। तो पावर सीरीज ये थी। अब हम देखेंगे पावर सीरीज में कि पावर सीरीज के अंदर टर्म्स क्या हैं। पावर सीरीज के अंदर सबसे पहली टर्म आती है आर। आर क्या होता है? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। फिर इसमें आता है इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है। तो आज के लेक्चर में आपको ये करवाऊंगी। वेयर यहाँ पे एक चीज़ आपने और देखनी है, सी एन। अगर यहाँ पे एन 0 है तो सी नॉट, अगर एन 1 है तो सी 1, एन 2 है तो सी 2। तो सी एन्स हमारे पास डिफरेंट आते जाएंगे, CO, C1, C2, C3, अप टू सोन, कितने आ जाएंगे? इन्फिनिट तक। तो ये जितने भी सी नॉट, C1, C2, C3 ये सारे नंबर्स हैं, तो हम इन सब को नाम दे सकते हैं कॉफिशेंट्स ऑफ पावर सीरीज या फिर सीरीज। पावर सीरीज के सारे क्या होते हैं? कॉफिशेंट्स। तो अगर आपको कॉफिशेंट्स ऑफ पावर सीरीज डेफिनेशन आ जाए, तो आपने इस तरह उनको बता देना, आपने अपने क्वेश्चन पेपर में इस तरह मेंशन कर देना। ये थी हमारे पास पावर सीरीज। जैसे हमने पिछली सीरीज की कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस फाइंड आउट की थी, सेम हमने इसमें भी वैसे ही करना है, लेकिन इसमें एक्स क्योंकि इन्वॉल्व है तो आपको हो सकता है थोड़ा कन्फ्यूज़ हो, तो मैं आपको दो तीन एग्जाम्पल्स उससे भी रिलेटेड करवा दूंगी, तो आपने इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना। पावर सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की अब हम बात करते हैं। आपने पावर सीरीज की जो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस है वो डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ एक्स पे। तो अगर आपसे कोई पूछे पावर सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, तो आप क्या कहेंगे? पावर सीरीज विल कन्वर्ज, क्योंकि ये एक्स की वैल्यू पे डिपेंड करती है, तो कन्वर्ज करेगी अगर एक्स माइनस ए, जो कि इसकी फॉर्म है एक्स माइनस ए, अगर x माइनस ए का मॉड लेस देन है r से, तो ये सीरीज कन्वर्ज करेगी। और अगर इफ x माइनस ए ग्रेटर देन है r, तो ये सीरीज डाइवर्ज करेगी। ये इसकी थी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये कि ये r क्या है? r यहाँ पे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस
पावर सीरीज का जो यहाँ पे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो यहाँ पे हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आर एक नंबर है, इस नंबर को हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का नाम देते हैं। अगर एक्स माइनस ए लेस देन है आर से तो ये सीरीज कन्वर्ज करेगी, अगर एक्स माइनस ए ग्रेटर देन है आर तो ये सीरीज डाइवर्ज करेगी। अभी मैं इससे रिलेटेड आपको एग्जाम्पल्स भी करवाऊंगी, तो अभी आप इसका सिर्फ कंसेप्ट लें। ये इसका था रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो आपसे क्वेश्चन पेपर में ये भी पूछा जा सकता है पावर सीरीज देके कि फाइंड आउट करें उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो ये था आज का पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट आज का हमारे जो इस लेक्चर है उसका क्या है, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। पावर सीरीज के क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। पावर सीरीज देख के आपको ये भी कहा जा सकता है कि इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करें, तो वो भी मैं आपको एग्जांपल में करवाऊंगी। लेकिन अभी आप इसको समझें कि इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस होता क्या है। अगर आपसे इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस की बात की जाए तो क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि पावर सीरीज की कन्वर्जेंस डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ एक्स पे। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे मैं कहूँ कि अगर एक वैल्यू है एक्स वन, इसके लिए भी कोई पावर सीरीज है मेरे पास वो कन्वर्ज कर रही है, और एक वैल्यू एक्स थ्री इस पे भी कन्वर्ज कर रही है, एक वैल्यू एक्स फाइव इस पे भी कन्वर्ज कर रही है। तो अगर मैं इन सारे एक्स को जिनके ऊपर पावर सीरीज कन्वर्ज कर रही है इसका एक इंटरवल बना लूँ, तो उस इंटरवल को मैं कहूँगी इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। ऐसा इंटरवल जिसमें सारे के सारे एक्स वो होंगे, वो वैल्यूज होंगी एक्स की जिस पे सीरीज कन्वर्ज कर रही है। और ऐसा इन जो इंटरवल होगा इसको फाइंड आउट किस तरह करना है ये मैं आपको बताती हूँ। तो लेट्स सपोज आप ये कह लें कि हमारे पास एक्स जो है ग्रेटर देन एंड लेस देन है ए माइनस आर, और एक्स ग्रेटर देन है ए माइनस आर, और एक्स लेस देन है ए प्लस आर। तो ऐसा इंटरवल जिसमें एक्स की जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज़ आ जाएं जिसके ऊपर कोई भी सीरीज़ कन्वर्ज करे, तो इस तरह के इंटरवल को हम क्या कहते हैं, दिस इंटरवल इन्वॉल्विंग ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच अ पावर सीरीज कन्वर्जेस इज कॉल्ड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। तो ये थी हमारे दो पॉइंट। मैंने आपको सबसे पहले ये बताया कि पावर सीरीज क्या होती है, पावर सीरीज का जो कॉफिशंस है इनको हम क्या कहते हैं। सेकेंडली मैंने आपको ये बताया है कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पावर सीरीज का क्या होता है, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल की, जिसके अंदर हम पेपर में आपको ऐसे पूछा जाएगा डिटरमिन द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ गिवन सीरीज। लेट्स सपोज आपको सीरीज दी जाती है एन इज इक्वल वन टू इन्फिनिट माइनस वन रेज टू पावर एन इंटू एन ओवर फोर रेज टू पावर एन एक्स प्लस थ्री रेज टू पावर एन। क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर एक वेरिएबल एक्स आ गया तो ये पावर सीरीज़ है। पावर सीरीज़ का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। तो अब हमने इसको कैसे करना है, सबसे पहले तो हमने देखना है कि हम कौन सा इसके ऊपर टेस्ट लगाएंगे। जो टेस्ट आपके सीरीज के थे वो सारे के सारे इसके ऊपर एप्लीकेबल हैं। आप कोई भी लगा सकते हैं, जो आपको लगे कि इस फॉर्म के लिए ज़्यादा ईजी ज़्यादा सूटेबल आप वो लगा लें। आप ट्रू टेस्ट लगा सकते हैं, रेशियो टेस्ट लगा सकते हैं। एक चीज़ और, मोस्टली पावर सीरीज के ऊपर जो टेस्ट लगते हैं वो रेशियो और रू टेस्ट होते हैं, तो आप उन दोनों में से लगा लें तो आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी टेस्ट रेशियो। तो यूजिंग रेशियो टेस्ट सबसे पहले आपने क्या करना है, आपसे पूछा क्या गया रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। सबसे पहले आप निकालेंगे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए आपको एल चाहिए, तो आपने सबसे पहले क्या करना है,
इस फॉर्म के ऊपर रेशियो टेस्ट लगा के एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपने सिंपली क्या करना है, एल इज इक्वल टू, आपको पता है लिमिट, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में करवाया था रेशियो टेस्ट भी और रू टेस्ट भी। तो मेरी जो, मुझे लगता है जो प्रीवियस से प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने करवाया था रेशियो टेस्ट। तो अगर आप इस लेक्चर से पहले आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि वो लेक्चर देखें ताकि आपको इसकी समझ आ जाए इसमें मैं रेशियो टेस्ट कहाँ से अप्लाई कर रही हूँ। वो लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन में है, आप इसमें देख सकते हैं। आप वो वीडियो पहले देखें फिर आप ये वीडियो देखें। तो यूजिंग रेशियो टेस्ट लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिट। रेशियो टेस्ट हमें क्या कहता है, -1 raised to power n+1 × n+1 x+3 n+1/4 n+1 डिवाइडेड बाय दिस टर्म। यहाँ पे जगह थोड़ी है तो मैं ऐसा लिख रही हूँ। यहाँ पे मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया है रेशियो टेस्ट। अगर आपको नहीं याद तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एल इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो जो ए एन होती है तो वो हम क्या करते हैं, an+1/an इसका रेशियो ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो भी मेरे पास फॉर्म थे जहाँ जहाँ एन था मैंने वहाँ पे n+1 रिप्लेस कर दिया है और उसको डिवाइड कर दिया इस फॉर्म से। ये फॉर्म थी ए एन की, तो मैंने an+1/an। तो एल इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिट, इसको मैं दोबारा से लिख रही हूँ ताकि समझ आ जाए, n+1 × n+1 4n+1 x+3 n+1 डिवाइडेड बाय, तो मैं मल्टीप्लाई में जब कन्वर्ट करूँगी तो हमारे पास टर्म्स आ जाएगी 4n/-1nn × x+3 की पावर n। अब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे इन टर्म्स को, तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट। यहाँ से n+1 और यहाँ पे n है, n से n वाली फॉर्म कट जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, -1 raised to power just n, सॉरी जस्ट 1, क्योंकि n+1 है और यहाँ पे n है। तो यहाँ से n और n अगर हम इधर से ऊपर ले जाएं तो -n, -n, +n कैंसिल आउट, तो -1 की पावर 1 आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास n+1 है, यहाँ पे हमारे पास n है, तो ये वाली टर्म हमारे पास n+1 ऊपर एज इट इज रहेगी और नीचे एन भी एज इट इज रहेगा। यहाँ पे 4n+1 है, यहाँ पे 4n है, तो जब हम इसको नीचे लेके आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 4n+1 - n और यहाँ पे हमारे पास जस्ट 4 raised to power 1 रह जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, x+3 n+1 और यहाँ पे एक n है और यहाँ पे n+1 है, तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा x+3 just। नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी -1 × n+1/4n mod और x+3 फॉर्म। x+3 क्योंकि यहाँ पे सिर्फ n अप्रोचेस टू इन्फिनिट है तो यहाँ पे x के ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं हो रही, तो ये लिमिटिंग वैल्यू नहीं है, तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे x+3 को और लिमिट अप्लाई हो जाएगी इस मोड पे। मोड के अंदर एक हमारे पास वैल्यू है माइनस में, तो माइनस मोड में क्योंकि ख़त्म हो जाता है, तो हमारे पास आ जाएगा n+1/4n लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिट। जब हम इसके ऊपर वैल्यू पुट करेंगे एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो अगर डायरेक्ट पुट करेंगे तो इन्फिनिट बाई इन्फिनिट की हमारे पास फॉर्म बन जाएगी जो कि मैथ में एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा करेंगे, n/(n+1)/4n/n। यहाँ पे मैंने क्या किया, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों की टर्म्स को n से डिवाइड करती है। अब हमारे पास कुछ आंसर इस तरह आएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट 1+1/n/4। जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे एन अप्रोचेस टू इन्फिनिट, तो 1/इन्फिनिट यहाँ पे 0 आ जाएगा, 1/4 वैसे रहेगा, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 1/4 x+3। तो यहाँ पे हमारे पास एल की वैल्यू आ गई 1/4 x+3। तो हमारे पास एल आ गया ये। अब हमें पता है कि एल कब कन्वर्ज करेगा, अगर एल लेस देन होगा 1 से, इसका मतलब ये आंसर
वन बाई फोर एक्स प्लस थ्री लेस देन होना चाहिए वन से, तब ही ये कन्वर्ज करेगा। क्योंकि हमने पावर सीरीज़ की बात करें, पावर सीरीज़ में हमने कहा था कन्वर्जेंस डिपेंड करेगी एक्स की वैल्यू पे, हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, एल लेस देन वन होना चाहिए अगर ये सीरीज़ कन्वर्ज करेगी। तो क्योंकि ये हमारे पास यूजिंग एल लेस देन वन, तो एल की वैल्यू हमारे पास क्या है ये वाली, तो ये चीज़ लेस देन होगी वन से, तो आपने इस चीज़ को कर देना लेस देन वन। यहाँ पे आ गया एक्स प्लस थ्री, इधर ही रहेगा वन बाई फोर, आप दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो जब दूसरी साइड पे वन बाई फोर, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इसके साथ दूसरी साइड पर रहेगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक्स प्लस थ्री लेस देन हमारे पास क्या आ जाएगा फोर, यहाँ पे सॉरी मॉड आना है क्योंकि यहाँ पे मॉड था ऊपर, तो एक्स प्लस थ्री मॉड लेस देन हो जाएगा फोर। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास आंसर था लेस देन फोर, यहाँ पे ये जो फोर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आर को। अगर आप पावर सीरीज में, मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि इसमें आर क्या होता है, अगर आप नोटिस करें तो एक्स माइनस ए या फिर एक्स प्लस ए जो भी है लेस देन आर, तो यहाँ पर जो भी टर्म होगी वो होगी आर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है एक्स प्लस थ्री मॉड लेस देन फोर, तो यहाँ पर आर हमारे पास आ गया फोर। और आर क्या है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, तो हमने फाइंड आउट कर लिया रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास क्या आ गया फोर। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि वॉट इज़ द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, तो हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आया है इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू फोर इस सीरीज़ का। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पेपर हमारे हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, कि हमने फाइंड आउट करना है व्हाट इज़ द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द गिवन सीरीज। तो कन्वर्जेंस इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक्स प्लस थ्री मॉड लेस देन फोर इसी इक्वेजन को यूज़ करेंगे। किस तरह, एक्स प्लस थ्री लेस देन फोर है तो हम इसको ओपन करके कैसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस थ्री ग्रेटर देन माइनस फोर लेस देन फोर, इसी चीज़ को हम इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि जब मोड हटाएंगे हम तो प्लस माइनस में वैल्यूज आती हैं, तो इसको हम इस तरह भी ओपन करके लिख सकते हैं। यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की, तो हम क्या करेंगे थ्री प्लस थ्री है तो दोनों साइड पे थ्री को हम ले जाएंगे, तो माइनस फोर माइनस थ्री लेस देन एक्स लेस देन फोर माइनस थ्री, क्योंकि थ्री यहाँ पे प्लस थ्री है, हम इस साइड पे भी लेके जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, इस साइड पे भी लेके जाएंगे तो माइनस थ्री में आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा एक्स माइनस सेवन एंड वन। तो हमारे पास एक्स क्या आ गया माइनस सेवन से वन, ये हमारे पास आ गया इंटरवल जिसके अंदर हमारी सीरीज़ जो होगी कन्वर्ज करेगी। लेकिन हमने चेक करना है क्या सीरीज़ एंड पॉइंट पे भी कन्वर्ज करेगी कि नहीं। अगर तो एंड पॉइंट पे भी कन्वर्ज करेगी तो हम एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू माइनस सेवन, एक्स लेस देन एंड इक्वल टू वन, इसको इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस बनाएंगे। अगर सीरीज़ माइनस सेवन और वन पे कन्वर्ज नहीं करती तो यही हमारा आंसर इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस होगा। तो आपने इसके बाद वो भी चेक करना होता है, तो हम करेंगे चेक एट एंड पॉइंट्स कि क्या ये सीरीज़ कन्वर्ज है भी कि नहीं। तो एंड पॉइंट पे कन्वर्जेंस चेक करने के लिए सिंपली आपने क्या करना है, इनकी जो एक्स की वैल्यू है एंड पॉइंट वाले जो हमारे पास पॉइंट हैं, आपने उसको जस्ट जो ओरिजिनल सीरीज़ है उसमें पुट करना है और उसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस फाइंड आउट करनी है। तो एट माइनस सेवन हम चेक करते हैं पहले, तो हमारे पास ओरिजिनल सीरीज़ क्या है, समीशन एन वन टू इन्फिनिट माइनस वन रेज टू पावर एन और फोर एन एक्स प्लस थ्री रेज टू पावर एन, ये हमारे पास थी ओरिजिनल सीरीज। इसके अंदर हम क्या करेंगे पुट कर देंगे माइनस सेवन एक्स की जगह, तो हमारे पास आपने यहाँ पर लिखना है पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस सेवन, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी माइनस वन रेज टू पावर एन ओवर फोर एन माइनस सेवन प्लस थ्री माइनस फोर रेज टू पावर एन। जब हम इसको सॉल्व करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा माइनस वन टू एन माइनस वन टू एन इंटू फोर टू एन, मैंने यहाँ पे माइनस वन एंड फोर पे डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअली पावर्स अप्लाई किए हैं, तो हमारे पास ये आ गया फोर रेज टू पावर एन, फोर एन से फोर एन कैंसिल आउट, माइनस वन माइनस वन बेस सेम तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो हमारे पास ये क्या बनेगा समीशन एन वन टू इन्फिनिट माइनस वन एन माइनस वन एन। तो यहाँ पे हमारे पास ये बन जाएगा
माइनस वन इज पावर टू एन, माइनस वन की पावर इवन है, तो हमारे पास ये आंसर हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा हमारे पास वन. तो हम कह सकते हैं यहाँ पे समेशन एन इज अप्रोचेस वन टू इन्फिनिट. सॉरी, यहाँ पे यहाँ पे एन भी है हमारे फॉर्म में. तो यहाँ पे हमारे पास वन इंटू एन आ जाएगा. अब हमारे पास सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा एन वन टू इन्फिनिट, समीशन वन टू इन्फिनिट एन. ये जो फॉर्म है समीशन की फॉर्म, ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू डाइवर्जेंस टेस्ट ये चीज़ डाइवर्जेंट होती है. डाइवर्जेंस टेस्ट क्या होता है, मैंने मुझे लगता है आप लोगों को नहीं बताया. डाइवर्जेंस टेस्ट क्या होता है, डाइवर्जेंस टेस्ट ये होता है कि अगर आप लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिट एन पे अप्लाई कर दें और वो ज़ीरो आ जाए तो वो कन्वर्ज करती है, और अगर वो ज़ीरो ना आए तो वो डाइवर्ज कर जाती है. तो यहाँ पे हमारे पास समीशन एन वन टू इन्फिनिट एन है. अगर मैं इसके ऊपर इसको लिमिट में लिख लूँ, तो लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिट एन पे अगर मैं करूँ तो ये आएगी इन्फिनिटी. इन्फिनिटी ज़ीरो नहीं होता, तो हम कह सकते हैं कि इन्फिनिटी क्योंकि ज़ीरो नहीं है तो ये सीरीज़ क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी. तो एंड पॉइंट एट -7 द सीरीज इज डाइवर्जेंट. अब हम दूसरे एंड पॉइंट पे चेक करेंगे क्या सीरीज दूसरे एंड पॉइंट पे कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है. तो हमारे पास -7 में डाइवर्जेंट आ गई. अब हम वन पे चेक करेंगे क्या सीरीज वन पे कन्वर्जेंट है या नहीं. सिमिलरली जैसे अभी हमने चेक किया है, ऐसे ही हम चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू वन पे. आपने क्या करना है ओरिजिनल सीरीज के अंदर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ वन पुट कर देना है. तो यहाँ पे x प्लस थ्री था तो वो 1 प्लस 3 हो जाएगा, तो 4 रेज टू पावर n आ जाएगी. जब हम इसको सॉल्व करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास -1 रेज टू पावर n इंटू एन आ जाएगा. अगर हम इसके ऊपर भी डाइवर्जेंट टेस्ट लगाएं, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी -1 रेज टू पावर n इंटू एन लगाएं, तो ये भी ज़ीरो के इक्वल नहीं आएगी. तो अकॉर्डिंग टू डाइवर्जेंस टेस्ट ये वाली सीरीज भी कन्वर्जेंट नहीं है, तो ये सीरीज भी क्या होगी, हेंस सीरीज इज डाइवर्जेंट, क्योंकि ये सीरीज भी डाइवर्जेंट आ गई और ये वाली सीरीज भी डाइवर्जेंट आ गई. तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो एक्स था ग्रेटर देन -7 लेस देन 1, तो यही हमारे पास इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है. तो आप इधर सिंपली लिखेंगे हैंस इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस इज एक्स ग्रेटर देन 7 -7 एस लेस देन 1. तो ये आपके पास फाइनल आंसर होगा इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस. अगर इन केस यहाँ पे डाइवर्जेंट ना होती, कन्वर्जेंट होती, तो यहाँ पे अपने ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू और लेस देन के साथ भी इक्वल टू लगा देना था. तो ये थी मेरी आज की वीडियो पावर सीरीज से रिलेटेड, जिसमें मैंने आपको बताया पावर सीरीज क्या होती है, इसका बेसिक कंसेप्ट रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, और रेडियस ऑफ सीरीज़ क्या होता है और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है. अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी. नेक्स्ट हम पावर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.